सो गाइज अयोध्या डिस्प्यूट दोस्तों, ये जो मुद्दा है हमारे देश का बहुत 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 आज़ादी से पहले का पुराना मुद्दा है, लेकिन दोस्तों आज उसका राय आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपके पास जो इसके बारे में जानकारी है वो अधूरी है, हम उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी भी लोगों को समझ ये नहीं आ रहा है कि ये तो क्लियर हो गया कि अयोध्या राम मंदिर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा या फिर बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, वो भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी बनेगा, लेकिन कैसे क्या पूरा डिटेल में बताएंगे। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, पूरा डिटेल में आपको एकदम क्लियर कर देंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो या फिर किसी और पोस्ट में देखने को या फिर झांकने को जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा समझ जाओगे ये पूरा डिस्प्यूटिंग मैटर। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंडिंग इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ। तो चैनल को जल्दी से मॉनिटर कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये अयोध्या जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना मुद्दा, आप को पता है, ठीक है। वहां पे बाबरी मस्जिद हुआ करता, उसको तोड़ दिया गया अभी, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गया था। तो अभी क्या किया गया था, जो कि वहां पे जो है इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था, थोड़ा सा आपको पहले से बताते हैं अभी तक क्या क्या हुआ है, अभी क्या मुद्दा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है, तो जो तीन जो है कौम उसको आ रहे थे, उसको जो बोल रहे थे कि ये इलाका है, तो जैसे कि दोस्तों सुन्नी सेंट्रल, ठीक है, रामलला और जो अखाड़ा है निरोही अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा जो क्लेम कर रहे थे कि ये तो दोस्तों वो तीनों को भी शांत किया गया। उसके बाद जो ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो पेश किया गया था कि ये मेरा जो है डिसीजन है, तो उसको मानने से बहुत लोगों ने इनकार कर दिया, तो वो चला गया मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और उसके बाद बोल दिया गया कि आप ही जो है सुप्रीम कोर्ट ही जो है इस डिस्प्यूट को मिटाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है मानना मैंडेटरी है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इसको मिटाया है, ठीक है, क्योंकि सब कोई शांत है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो पांच जजेस थे, मतलब आप लोगों को पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट में पांच जजेस है, दोस्तों उसमें से अधिकतर तीन जजेस का जो है सहमति चाहिए किसी डिसीजन में, वो मेन के साथ, ठीक है, तभी उसमें जो है आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इस डिसीजन में पांचों जजेस जो है, जिसमें मोहम्मदन भी होते हैं, तो वो उसको जो है हम लोगों को जो पांच जजेस है उन लोगों का जो है पांचों का सहमति है इसमें। दोस्तों क्या था कि वो जो ये एनालिसिस किया गया ऐसे किसी पक्ष में रख के, किसी धर्म के ऊपर जो है इसको नहीं किया गया, पूरा साइंटिफिक तरीके से किया गया। तो दोस्तों वो जो मस्जिद हुआ करता जिसको तोड़ दिया गया था, बाबरी मस्जिद, ठीक है, तो उसके बाद जब एनालिसिस किया गया तो वो मस्जिद जो है बना था 1600 शताब्दी में, ठीक है, 1600 शताब्दी में वो मस्जिद बना गया था। लेकिन उसके बाद तोड़ने के बाद जब उसके नीचे गया गया, मतलब जिस ढांचे के ऊपर बना था वो, ठीक है, उसमें बाद में पता लगा कि वो ढांचा जो है वो 1600 शताब्दी का नहीं है, लेकिन मस्जिद के ऊपर का जो हिस्सा है वो 1600 शताब्दी से बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या आता है कि मस्जिद जो है खाली जमीन पर बना नहीं था, इसका मतलब नीचे कोई ढांचा था, वो जो ढांचा था 1200 शताब्दी का था, वो उसको उस ढांचे को मंदिर था, मतलब क्या हुआ था, मंदिर को बना के मस्जिद बनाया गया था वो बाबर के टाइम पे, ठीक है। तो अभी क्या आता है, मतलब मेन जो आता है कि अभी ये जो पक्ष में जो हिंदू के ऊपर रहा कि ये पहले से यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको तोड़ के मस्जिद किया गया, अभी मस्जिद को तोड़ के अभी मंदिर किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, लेकिन मस्जिद भी बनेगा। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुस्लिम कौम का भी थोड़ा सा जोर बढ़ता है, इसलिए क्योंकि उस बहुत टाइम तक वहाँ पे नमाज भी पढ़ा गया था। तो ऐसे अगर ऐसा डायरेक्ट पक्ष में कर दिया कि राम मंदिर, हाँ ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे मंदिर था तो यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, तो अनस्टेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि राम मंदिर बना तो हिंदू तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम को थोड़ा सा नाराजगी तो होगा। लेकिन फिर अगर बोल दिया गया बाबरी मस्जिद बनेगा, तो बाबरी मस्जिद में मुस्लिम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हिंदू को थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होगा। तो दोनों को शांत रखने के लिए बनेगा जहाँ पे वो डिस्प्यूटेड लैंड था, ठीक है, वहाँ पे तो बनेगा राम मंदिर ही, लेकिन बाबरी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद भी बनेगा लेकिन वहाँ पे नहीं, उसी इलाके में, वो सेंट्रल जो केंद्र शासन है या फिर केंद्र सरकार को ये बताया गया है कि 5 एकड़ ज़मीन जो है मुस्लिम को अलॉट किया जाएगा, जिसमें जो है बाबरी मस्जिद बनेगा, उस जगह पे नहीं, लेकिन उसी के आसपास, वो जगह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया,
गया है वो केंद्र सरकार चुनेगी ये 5 एकड़ जगह, और वो सिर्फ एक का डिसीजन नहीं होगा, वो चुन के उसके ऊपर मुस्लिम जो बड़े बड़े अधिकारी है या फिर कौम से उससे बात किया जाएगा कि यहाँ पे हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, क्या आप सहमत हो, अगर हो तो यहाँ पे बना देंगे या फिर कहीं पे और, लेकिन 5 एकड़ जगह जो अलर्ट किया जाएगा मतलब वो जो डिस्प्यूटेड इलाका था वहाँ पे बनेगा राम मंदिर, और उसके बाद जो बाकी का जगह है वहाँ पे मतलब 5 एकड़ जगह जो अलर्ट किया जाएगा वहाँ पे बनेगा बाबरी मस्जिद। दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स, मैं उम्मीद है आपको पूरे तरीके से समझा पाए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज का ट्रेनिंग टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।